तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल नॉन डॉन ब्लॉग में आपका स्वागत है भाई। जैसे कि आप देख रहे हो, मॉर्निंग टाइम हो रहा है, सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं आ रखा हूँ रोड पे भाई नीचे, ठीक है। इस लोकेशन पे आ रखा हूँ भाई, मैं पीछे भी चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे आपको, बाकी इस लोकेशन में बैठा हूँ भाई मैं। यहाँ पे देख सकते हो मेरे नीचे पार्किंग, और मैं बैठ रखा हूँ भाई रोड के किनारे, ठीक है। तो भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सामने गाड़ी जा रही है देखो। तो भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आज एक हिमाचल के अंदर एक छोटा सा गांव है भाई, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ छोटा सा गांव कौन सा है और कहाँ पे वो गांव है, मतलब वो दिखाने वाला आपको मैं। तो भाई बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो अब भाई मैं सामने का बैकग्राउंड दिखाता हूँ कैसा है और कौन सा गाँव है भाई वो। तो भाई एक देख सकते हैं नया रास्ता बना हुआ गाँव वालों का, ये नया रास्ता है जाने का, ठीक है। और नीचे से एक छोटा सा गाँव, ये तो कम ही दिखाई दे रहा है गाँव जो नीचे गाँव है, बट सामने वाला गांव दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, बड़ा ज़बरदस्त, आईफोन तो है नहीं पर आईफोन से बढ़िया ही निकल रहा है। तो भाई ये है हिमाचल के अंदर एक छोटा सा गांव जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पे एक आजकल देख रहे हो एक छत के ऊपर, मतलब जैसे टीन सेट लगाते हैं ना, ये बड़ी ज़बरदस्त ढंग से लगाते भाई, ये सारे छतों के ऊपर देखो टीन सेट लगाए हुए हैं देखो। जैसे हमारे यहाँ लोग लेंटर लुंटर डाल लेते हैं, ठीक है, सीमेंट सीमेंट का जो भी पड़ता है लेंटर लुंटर और डाल लेते हैं। यहाँ प्रत्येक ऐसा कोई छत नहीं मिलेगा जिसके ऊपर आप भाई ये टीन का ये लगा नहीं होगा। देखो आईफोन होता ना भाई, और भी अच्छे तरीके से दिखाता हूँ आपको। ये सामने देख सकते हो भाई, सारे छतों के ऊपर टीन सेट लगाए हैं, मस्त तरीके से लगाए हैं, ऐसे नहीं कि कोई ऐसे डाला है, ये देखो भाई मस्त तरीके से लगाए हैं बिल्कुल। इतने में तो भाई लेंटर पड़ जाता है, लेकिन टीन सेट लगाते हैं, बड़े ज़बरदस्त दिखाई देता भाई। तो भाई ये देख लिया आपने छोटा सा हिमाचल के अंदर छोटा सा गाँव, और बाकी भाई इसके आस पास से बाकी भाई इसके आसपास एक एक ये भी गांव है नंदोल, ये सामने नंदोल गांव और एक सिरोही गांव भाई, ये नीचे है। यहाँ पर थोड़ा दो चार पेड़ ऐसे दिखाई दे नहीं रहा पर हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको, देख लो। और बाकी ये सामने देख रहे हो आप, चंडीगढ़ के लिए मेन हाईवे जाता है भाई, जो कि ये रोड है, ये चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर अभी मिली नहीं है, अभी 2-3 किलोमीटर रुका हुआ भाई पीछे। बाकी सामने देख सकते हो आप मस्त तरीके से यहाँ पे, ठीक है भाई लोगों। बाकी देख सकते हो भाई की गाड़ी जा रही है, अब सुबह स्कूल बच्चे छोड़ने के लिए गाड़ी जा रही है यहाँ से गांव वालों की, ठीक है। ये सामने गांव से गाड़ी आ रही है भाई, ये सामने गांव से, ठीक है, और ये जा रही है स्कूल छोड़ने के लिए यहाँ पे सामने, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी यहाँ से रोड जा रही है मेन रोड। ये रोड से तो गड़खल मार्केट मिलता भाई, और बाकी आपको सामने तो दिखाई रखोगे हर टाइम ब्लॉक में देखते होंगे। ये सामने होटल बन रहा भाई एक, और ये सामने है रमाड़ा होटल, इसके ऊपर है लॉरेंस स्कूल। ये सामने लॉरेंस स्कूल के हल्का हल्का ऊपर छत देख सकते हो टीन से, ये भी टीन सेट है ऊपर, ठीक है। ये लॉरेंस स्कूल है भाई सामने, साफ दिख रहा है ना, ये पूरा एयर फोर्स एरिया हो गया भाई ऊपर जो भी दिख रहा है आपको, ये वाइट वाइट ये सारे एयर फोर्स एरिया में आते हैं। और बाकी सामने का व्यू देख सकते हो भाई मस्त तरीके से। दीदार हो गया और सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया भाई, ये देख सकते हो आप सामने, देख सकते हो ये भी पूरा एयर फोर्स एरिया में आता है ऊपर। ये सामने टावर लगा हुआ है एयर फोर्स वालों का, और मतलब ये सामने सारे चीड़ के पेड़ भाई, हिमाचल के अंदर पूरे उत्तराखंड की तरह चीड़ के पेड़ है भाई। यहाँ देखो रास्ते, अगर मतलब ये यहाँ से भी रोड जा रही है भाई, ये हमारी होटल वाली रोड है, इधर से मेरा होटल है आगे, यहाँ से मैं आ रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। सुबह आप मस्त ढंग से सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हो यहाँ पे। और ये भाई सामने हल्का हल्का दिख रहा है जो आपको चोटी पर मैं दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये है मंकी पॉइंट। जितनी मतलब जितनी ऊपर आप हिमाचल हिमाचल से ऊपर जाते हो आप हिमाचल तक, उतनी मतलब उतना ऊपर भाई ये चोटी है, हिमाचल उतनी ऊंचाई भी नहीं है जितनी ऊंचाई पे ये चोटी है सामने मंकी पॉइंट। ये भाई हल्का हल्का मंदिर देख सकते हो आप हनुमान जी का, और यहाँ पे मंकी पॉइंट है, यहाँ पे मतलब उतना ऊपर है कि जितना ऊपर आप हिमाचल जाओ हिमाचल के बराबर ऊँचाई है वहाँ पे, ये कह रहे भाई मैं। और सामने एयरफोर्स एरिया है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो टावर ही टावर लगे हुए हैं, यहाँ पे सारी एयरफोर्स एरिया है आपको ऊपर का, मस्त तरीके से देख सकते हो भाई आप यहाँ से। ये मंकी पॉइंट के सामने पूरा एयरफोर्स एरिया है, एक टावर ही लगा हुआ है, बाकी एक टावर इधर लगा हुआ भाई, देख सकते हो आप यहाँ पे भी एक टावर ही लगा हुआ। ये सामने रिजॉर्ट है भाई किसी का, हमारे भी रिजॉर्ट के थोड़ा दूर ही है। और भाई ये पूरा गाँव का रास्ता आप देख सकते हो यहाँ पे, ये गाँव का रोड जा रहा है सामने, नंदोल गाँव का रोड, जो गाँव मैं आपको दिखा रहा था ये उसी गाँव का रोड जा रहा है भाई यहाँ से, मस्त ढंग से देख सकते हो आप यहाँ की लोकेशन।
मैंने आपको गांव का लोकेशन दिखा था, सामने जो गांव था नंदोल गांव, ये ऊपर 8th फ्लोर एरिया या मंकी पॉइंट भाई, ये सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे हिमाचल में घूमने की जगह। बाकी भाई मैं जा रहा हूँ थोड़ा आगे पे, आगे और रास्ते, और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का व्यू, वहाँ का लोकेशन, और हो सके तो गढ़खल मार्केट की थोड़ा झलक दिखा दूंगा भाई मैं, अगर मेरा कैमरा उतना कैप्चर कर पाया भाई तो वहाँ की छोटी सी झलक दिखाता हूँ मैं आपको गढ़खल मार्केट की, और प्लस जो सामने न्यू होटल बन रहा है ना उसकी भी झलक दिखाऊंगा, और रमाड़ा होटल के थोड़ा जस्ट थोड़ा सामने चले जाऊंगा भाई मैं, बाकी यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको जो सामने देखूँ, सामने भाई जो होटल बन रहा है ना इधर इधर जो होटल बन रहा है, ये होटल दिखाता हूँ भाई मैं आपको, सामने जो होटल बन रहा है ये होटल आपको दिखाता हूँ मैं अभी थोड़ा नज़दीक जाके, और बाकी आप जुड़े रहो भाई मेरे ब्लॉग में, तो आप देख सकते हो भाई नानू राहुल ब्लॉग। तो भाई जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर है भाई 1K से ऊपर जो बढ़ रहे हैं भाई, प्लीज़ यार सब्सक्राइब चैनल आपने कर दिया धन्यवाद, और प्लीज़ शेयर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा वीडियो देखें भाई, वॉच टाइम कंप्लीट करें भाई, वॉच टाइम कंप्लीट हो गया तो हमारा चैनल फिर मोनेटाइज हो जाएगा भाई, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो गए हैं ना, इसीलिए भाई भाई इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो देखें, हो सके तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ठीक है भाई, और एक बार चैनल अगर मोनेटाइज हो गया ना भाई तो ऐसे कि सिस्टम सही रहेगा, फिर पता चल जाएगा ना कि हम वीडियो बनाने कुछ फ़ायदा हो रहा है भाई, अब चैनल मोनेटाइज हो गया तो वीडियो बना कोई फ़ायदा नहीं, तो मन नहीं करता वीडियो बनाने का भाई, इसीलिए तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो एक भाई मिल गया है देख सकते हो, इस भाई से मांगते हम थोड़ा खाने के लिए कुछ, तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से भाई आ रहा है अपने पास, खिला दो यार, अरे भाई ने दिखा दिया, बनाओ बनाओ तो नहीं दिखना चाहिए, कोई बात नहीं है, तो भाई देख लो भाई जा रहा है अपने काम पे, बाकी भाई मैं नीचे रोड पर रखा हूँ। तो भाई लोगों देख सकते हो आप, मैं अभी आधे रास्ते में पहुंच चुका हूँ, और आपके लिए भाई मैं पैदल जा रहा हूँ दिखाने के लिए हिमाचल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ठीक है भाई लोगों, आपको दिखाने के लिए मैं पैदल जा रहा हूँ, देख लो ये सामने रास्ता है, इस रास्ते से पैदल जा रहा हूँ, और यहाँ आसपास कोई है नहीं, तो आप देख सकते हो भाई सामने, तो भाई इसीलिए मैं कह रहा हूँ यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, वॉच टाइम कंप्लीट करें ठीक है भाई लोगों, अगर वॉच टाइम कंप्लीट हो गया तो लगे कि हाँ यार यूट्यूब पर वीडियो बनाने से कुछ फ़ायदा होगा ठीक है, अगर वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा तो भाई यूट्यूब पर वीडियो बनाने का यार मन नहीं करता ना फिर, इसलिए भाई मैं कह रहा हूँ सब भाइयों से ज़्यादा कमेंट करें, यूट्यूब पे वीडियो देखें भाई, और वीडियो को शेयर करें भाई अच्छा लगता है, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि कई बंदे होते हैं ना वीडियो देख लेते हैं और चले जाते हैं, मतलब छोड़ बोली गोली मार, तो भाई गोली नहीं मारनी भाई, इसे लाइक मारना है ठीक है, लाइक मारा करो ठीक है, गोली मारने से कुछ नहीं होता भाई, लाइक मारा करो भाई, लाइक मारने से बहुत कुछ होता है भाई, हमें अच्छा लगता है भाई कि हाँ इस बंदे ने हमारी वीडियो लाइक की है, कमेंट किया है, शेयर किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमारी वीडियो देखते रहे भाई, मैं आधा रास्ता तक पहुँच चुका हूँ, और मैं आपको सामने जाकर दिखाता हूँ यहाँ का व्यू, हिमाचल के अंदर एक छोटी सी जगह है भाई, और कहाँ कहाँ पे लोग यहाँ पे बसे रहते हैं, मतलब कहाँ कैसे कैसे लोग गाँव में बसे रहते हैं, वो सब कुछ दिखाता हूँ भाई आपको मैं, बाकी फ़िलहाल अभी मैं हिमाचल के अंदर हूँ भाई, जब उत्तराखंड जाऊँगा तो उत्तराखंड की चीज़ें भी दिखाएंगे भाई, उत्तराखंड के कल्चर दिखाएंगे, अपना घर का कल्चर दिखाएंगे, हमारे घर का कल्चर कैसा है सब कुछ दिखाएंगे भाई आपको वीडियो में, तो आप बने रहिए, देख सकते हो बारिश के टाइम पे जो मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे बहुत तबाही हुई थी, ये तबाही आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे तबाही हुई है भाई, मस्त तरीके से देख सकते हो आप, यहाँ पे धूप लग रही है बहुत गंदी वाली, और चलता हूँ भाई मैं आपको दिखाने के लिए सामने, देख सकते हो भाई बारिश से सारा टूटा हुआ है, तो सामने का व्यू देख सकते हो भाई यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको सामने सब व्यू मस्त तरीके से, तो भाई देख सकते हो पहाड़ों में ऐसे पेड़ होते हैं भाई पहाड़ों में, या आपको नीचे प्लेन्स में ऐसे पेड़ कोई दिखाई देगा नहीं भाई, चीड़ के पेड़ तो बहुत मुश्किल है मेरे भाई लोगों कि आपको देखने, मतलब नीचे देखा नहीं होगा आप प्लेन्स में, देहरादून अपने उत्तराखंड के बाद ही देहरादून साइड में या ऐसे चीड़ के पेड़ बहुत कम मिलेंगे भाई, जैसे जैसे नीचे जाओगे ना आप वैसे चीड़ के पेड़ दिखना बंद हो जाएगा आपको, ये पहाड़ों में ज़्यादा दिक्कत है चीड़ के पेड़ दिखाई देते हैं भाई, क्योंकि पहाड़ों में अपने उत्तराखंड में हिमाचल में हो हर जगह ऐसे चीड़ के पेड़ दिखाई देते हैं भाई, और सामने स्कूल दिखाई दे रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, ये देखो ये पहाड़ों में बना स्कूल है भाई, यहाँ पे ऊपर देखो यहाँ पे इन पहाड़ियों में ऊपर यहाँ बना हुआ है लॉरेंस स्कूल, उसके जस्ट बगल में बना हुआ है ये स्कूल एक, अब ये पता नहीं है कौन सा स्कूल है, सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, बट एक स्कूल यहाँ पे है, और बाकी दो चार मकान आप ये देख सकते हो, यहाँ पे भी एक गांव है भाई छोटा सा गांव बसा हुआ, बाकी कुछ मकान पहाड़ों पर ऐसे इस तरीके से होते बनाए हुए, ये देखो पहाड़ों के मकान किस तरीके से होते बनाए हुए दिख रहा आपको, ऐसे रहते भाई पहाड़ों में, तो मतलब प्लान्स में दिखते होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, लेकिन पहाड़ों में इस तरीके से मकान बनाए रहते लोगों ने, ये देख लो आप मस्त तरीके से भाई, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाकर गढ़खल की झलक, तो भाई मैं जा रहा हूँ इस रोड से आगे, और जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का कुछ यहाँ पे वाइट वाइट, तो भाई ये पेड़ों के बीच से ये पूरा गढ़खल मार्केट है, जहाँ पे भाई जा रहा था अभी गाड़ी लेके अपने बच्चे छोड़ने स्कूल में, तो भाई चलते हैं आप, तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ गढ़खल 2 किलोमीटर,
जो भाई मार्केट है वो 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जो आप देख सकते हो गढ़खल 2 किलोमीटर। बाकी सामने जा रही है भाई पानी की गाड़ी, क्योंकि हिमाचल में अगर हम भी भाई पानी के टैंकर मंगाते हैं तो ऐसे टैंकर आते हैं भाई पानी के टैंकर। ये आप देख सकते हो यार सामने पानी के टैंकर, मस्त तरीके से आप देख सकते हो पहाड़ों में सुबह सुबह ये पानी के टैंकर जा रहा है। मस्त नज़ारा है भाई यहाँ का, आप यहाँ पे देख सकते हो आप खुला ये पानी के टैंकर यहाँ से चले जाएगा। बाकी मतलब मस्त व्यू है भाई यहाँ का, देख सकते हो भाई यहाँ पे अगर आप हिमाचल के अंदर घूमने आते हो तो आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती है यहाँ पे, जो कि मस्त लगती है। बाकी भाई धूप भी आ चुकी है कड़क। तो भाई थोड़ा सा आगे आने पे मुझे एक दिखा ऊपर, ये चमक रहा है ये शिव जी का त्रिशूल, हमारे महादेव, जो कि कभी हमको केदारनाथ बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे महादेव। बाकी आप देख सकते हो महादेव का त्रिशूल ऊपर चमक रहा है भाई यहाँ पे मस्त तरीके से। और भाई की गाड़ी भी आ चुकी है आगे से, ठीक है। तो भाई अभी आ रहे हैं बच्चे छोड़ के स्कूल से। ओ कहंदी सिद्धू मूसेवाला तेरा दीदार हो गया, सच्ची मुच्ची रब्बा जानी नू सिद्धू मूसेवाले दे नाल प्यार हो गया। क्यों जानी? अरे तो भाई देख सकते हो आप मस्त तरीके से सामने का, तो देख सकते हो भाई यही व्यू दिखाने के लिए आपको सामने आया था नज़दीक से। आप लगे रहते होंगे रमाड़ा होटल, रमाड़ा होटल मैं लगा रहता हूँ ना, तो भाई ये सामने रमाड़ा होटल है, इसके जस्ट बगल में एक होटल बन रहा है, एक होटल ऊपर ऊपर से बना हुआ है देख सकते हो आप मस्त तरीके से, क्योंकि मैं इतना जूम तो कर नहीं सकता भाई, मैंने पहले ही बोल रखा कि मेरे पास इतना खास फ़ोन नहीं है जिससे कि मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ। बाकी एक मकान ये भाई यहाँ पे बना हुआ देखो मस्त तरीके से भाई, एक मकान ये बना हुआ, एक मकान ये बना हुआ, ठीक है भाई लोग ऐसे मकान बने हुए यहाँ पे मस्त तरीके से देख सकते हो आप। पे भाई जी जा रहे हैं अपने बच्चों को छोड़ने स्कूल पे सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में, देख सकते हो भाई की गाड़ी। और भाई मेरे को अभी हाई हाई कर रहे थे, ये भाई जा रहे हैं मॉर्निंग टाइम में बच्चे छोड़ने स्कूल पे, और इसी रोड से मैं आया था भाई सामने से। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ का मस्त व्यू, मैं यही कहता हूँ हिमाचल के अंदर मकान देखो किस तरह के मकान बने हुए हैं। एक मकान ये है नीचे, एक ये है, एक ये ऐसा गाँव बसा हुआ रहता भाई, छोटे छोटे मकानों को लेकर एक गाँव बसा रहता है, और वो गाँव बाद में बहुत बड़ा हो जाता है भाई, जैसे कि एक ये बड़ा हो रहा है यहाँ पे, एक ये बड़ा हो रखा भाई यहाँ पे। आप थोड़ा आगे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ गढ़खल की झलक, जहाँ भाई लोग जाएंगे अपने बच्चे छोड़ने के लिए, और स्कूल दिखाऊंगा भाई आपको छोटा सा एक ऊपर यहाँ से, अगर मेरी नज़र पड़ गई, मेरे कैमरे की नज़र पड़ गई, मेरे तो पड़ जाएगी भाई, लेकिन अगर मेरे कैमरे की नज़र वहाँ तक पड़ गई भाई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, आप बने रहो वीडियो में। खड़ा होगा चलते हैं सर गढ़खल मार्केट की तरफ। तो भाई देख सकते हो आप सामने ये मार्केट है गढ़खल मार्केट, यहाँ से दिखा रहा हूँ भाई मैं आपको, क्योंकि मैं बहुत दूर खड़ा हूँ इतना नज़दीक नहीं हूँ। तो भाई ये गढ़खल मार्केट है, जो कि ये मस्त मौसम रहता है यहाँ का सुबह का, और आप देख सकते हो हल्का हल्का धूप भी लगी चुकी है यहाँ पे गढ़खल मार्केट का। और भाई मैं इतने दूर से इसकी वीडियो बना रहा हूँ, देख सकते हो आप इतना जूम भी तो कर नहीं सकता मैं, बट यहाँ से मस्त दिखाई दे रहा है मेरा फ़ोन से, इतना आईफोन की बराबर नहीं कर सकता भैंस के टांगे फ़ोन तो, पर फिलहाल मेरे लिए सही है क्योंकि मेरा ब्लॉग इसी से सूट हो रहा है भाई, तो मेरे लिए ये फ़ोन बेस्ट है अभी फिलहाल। आप देख सकते हो यहाँ का मस्त लोकेशन, इतना खास मेरा फ़ोन दिखा नहीं पा रहा है, बट आप देख सकते हो सामने से मैंने कहा जो गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है बोलेरो मैक्स। और बाकी भाई यहाँ का व्यू आप देख सकते हो मस्त तरीके से, इस होटल को दिखाने के लिए आपको नज़दीक आया था भाई मैं, मस्त तरीके से आप यहाँ का व्यू देख सकते हो। अब चलता हूँ भाई मैं फाइनली होटल पे। भाई आप देख सकते हो रास्ते में जाते जाते मुझे ये कंडाली मिली है, बिच्छू घास जिसे कहते हैं, देख लो भाई इसे कहते हैं बिच्छू घास, इसे सर्दियों में हम घर पर बहुत अच्छी तरह से खाते थे भाई कंडाली को, सर्दियों में खाने के लिए बहुत बढ़िया होता भाई ये कंडाली, इसकी सब्ज़ी बहुत बढ़िया होती है कंडाली की, और हमारे यहाँ इसको बिच्छू घास बोलते हैं और कंडाली बोलते हैं और कालडी बोलते हैं भाई, हमारी गढ़वाले में इसको कालडी बोलते हैं भाई हमारी भाषा में, ठीक है। ये कालडी देख सकते हो भाई यहाँ पे अगर किसी की लग जाए ना भाई तो वहाँ पे सिंगाना लगाना पक्का है भाई, नाक से सिंगाना निकालो और वहाँ पे लगा दो, फिर देखो तुम सेट हो जाएगा बिल्कुल मौसम, ठीक है। तो भाई ये कंडाली है, अगर किसी को लग गई नहीं भाई, मजाक सट के कह रहा हूँ, भागता फिरेगा पूरी रास्ते में, याद रख लो बोले। तो भाई आप देख सकते हो हिमाचल का मस्त नज़ारा भाई छोटा सा,